ये सब करणवीर सवाल है एक मेरा, बिग बॉस आप फॉलो कर पा रहे हैं? आपकी कोई एक्टर एज की मना रहा है? नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक शी इज डूइंग रियली वेल है ना। कित क्या होगा, मतलब उनकी पर्सनालिटी वैसी जैसे घर के अंदर, थोड़ा बहुत आपने जो देखा हो रील्स पे या फिर कहीं भी? आई बहुत टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो चुके हैं, तो मैं नहीं कह सकता। और क्या होता है कि हमारे यहाँ जब आप फिल्म शूट करते हैं तो उसका एक डेकोरम अलग होता है, जब आप ये OTT या अभी ये रियलिटी करते हैं जैसे बिग बॉस है, उसका डेकोरम या उसका फॉर्मेट अलग होता है। अगर वहाँ आप कॉन्टेंट नहीं दे पाएंगे शायद, आई थिंक सो, तो आई थिंक यू फेल मिजरेबली या व्हाटएवर इट इज, बट इवेंचुअली तो मुझे लगता है, मैं कभी यही सोच रहा हूँ कि लोग इवेंचुअली दे बिकम देमसेल्व्स, बिकॉज कब तक आप फेक करेंगे? जी जी जी। तो आई डोंट नो हाउ शी इज नाउ एज अ पर्सन, बट यस प्रीवियसली वी नेवर हैड एनी इश्यूज, शी इज बीन क्वाइट क्वाइट प्रोफेशनल। जी करण वीर जा सकते हैं कभी बिग बॉस में, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं जा सकता हूँ जी? किसको, बिग बॉस की क्लास लेंगे? ओके थैंक यू। लास्टली फैंस को क्या मैसेज दें? बहुत प्यार देते हैं आपको, बहुत प्यार देते हैं फैंस को, क्या कहना चाहेंगे आप? फैंस को तो ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की वजह से ही यू नो यहाँ पे हूँ, तो बहुत बहुत बड़ा हाथ है। आई नो मैं इतना रेसिप्रोकेट कभी नहीं कर पाऊँगा, बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऑल योर लव, एंड आई वुड लव टू मीट ईच वन ऑफ देम। मैं सच में उनसे मिलना चाहता हूँ, हर एक इंसान से, तो इसलिए मैं आपको भी, मेरे फैंस आते हैं, मैं कभी उसे उनके साथ ना, मैं उनकी लाइफ जर्नी भी जानना चाहता हूँ, एंड इट्स जस्ट अ वंडरफुल फीलिंग, सो आई वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू करण।